मनिया के बारे में बताया इसने कुछ? मुनीर चाहिए। चल यार मुनीर, तू चल ना, मेरी तबीयत खराब लग रही है, लगता है रात की बिरयानी हजम नहीं हुई। मैं आता हूँ। चूतिया, तेरा नाम जमाल नहीं जमाल गोटा होना चाहिए था। साले बिरयानी खाता कम है, निकालता ज्यादा है। चल जा। सलाम मुनीर भाई। वालेकुम सलाम। तुझे खुदा के उस घर भेजूंगा जरूर, लेकिन अगर मनिया का पता बता देगा तो मौत इज्जत से पेश आएगी। मनिया का पता तो नहीं बताऊंगा, जो मौत दोस्त की उम्र बढ़ा दे वो मौत सर आंखों पर। अफसोस, एक कायर हिंदू के लिए मरेगा तू। एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता। मजहब तो दुश्मनी का भी नहीं होता। ठीक है, खुदा के इस घर से निकलते ही खुदा के उस घर जाने को तैयार हो जाए। दरगाह पर घेर लिया है।
कहा जा रहा है? जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने, दिलावर को उसके भाई के पास पहुंचाने। अगर खुदकुशी करनी है तो पंखे से लटक जा, दिलावर को अपनी जान तोहफे में क्यों दे रहा है? तुझे अब मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है मनिया, वक्त की है। वक्त की फितरत में ही बेवफाई है। कल हमारी गोद में बैठा था, आज उसकी। तो तू क्या चाहता है कि मैं चूहे की तरह डर के मारे बिल में छुपा रहूं? हाँ, ताकि हमने जो गलती की आज वो कर सके, हमें कमजोर समझने की गलती। और फिर जब वक्त दोबारा पलटी मारेगा तब तू दिलावर को मारेगा। ठीक है, मैं अभी तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं हूं। खुले मैदान में सांप को मारना ज्यादा आसान है, वो बिल में घुस गया तो उसके जहर से बचना नामुमकिन है। नजर हम भी रखते हैं पुलिस वालों पर। यह तो मैं तुझे यहां देखकर ही समझ गया था। बोल क्या चाहिए? मैंने सुरवे मुर्दा भूसे का ढेर है शहर, और मैंने इस भूसे में छिपी हुई सुई मेरे आदमी से ढूंढ नहीं पा रहे, और अगर उसे कोई ढूंढ सकता है तो सिर्फ तू। मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे मैंने को मारने की, तेरी सरकारी गोली में जितना लोहा ठोक दे उसके अंदर। ये वर्दी मैंने तेरा शूटर बनने के लिए नहीं पहनी है। चल निकल यहां से, समझ लूंगा तेरा मेरा एनकाउंटर हुआ ही नहीं। एनकाउंटर यानी कि मुलाकात, अच्छा लव्स है। तो करा दे मणि का मौत से एनकाउंटर, पैसा और मेडल दोनों दिलवा दूंगा। मैंने क्या कहा तूने सुना नहीं? जहां दिखे ठोक देना साले को, शूट आउट या एनकाउंटर कोई भी नाम देकर केस क्लोज कर देना। ऊपर से डिपार्टमेंट से इंक्वायरी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी। देख दिलावर, दो वक्त की रोटी कमाता हूँ, पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं, और मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं। तू नहीं बिकेगा तो तेरे ऊपर का बिकेगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ठोकेगा ना, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा। हाँ फक, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो कल तक नहीं रुक सके? आज पता चला सर कि हमारी वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है, ताकि कोई भी आखिर इस पर हक दे तो दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या हुआ? आज दिलावर आया था इस पर हक ले, मनिया सुरवे की सुपारी दे रहे, वो भी एक पुलिस अफसर को। कहने लगा उड़ा दो उसको, इनकाउंटर कर दो उसका। पहले पैसों की लालच दी, फिर ऊपर से ऑर्डर की धमकी। जी क्या उसे ही वहां ठोक दो? पर कैसे करता सर, पेशाब करने से पहले जिप खोलने की इजाजत भी लेनी पड़ती हमें। मुजरिम हाथ में भी हो तो पहले सबूत और गवाह ढूंढने पड़ते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, फिर वारंट निकलता है। तब तक गवाह या तो खरीदा जाता है या मारा जाता है, और मुजरिम साला आजाद। हमसे तो अच्छी रांड है सर, रांड। वो पैसे लेकर कम से कम ग्राहक को मजा तो देती है, हम क्या करते हैं? हम पहले शपथ लेते हैं, फिर तनख्वाह लेते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में बैठकर तमाशा देखते हैं। और मुजरिम कानून को हाथ में लेकर कानून से खेलता है। जो बोलना था बोल लिया, अब मैं बोलूं? ठोक डाल मनिया सुरवे को, किल दिलावर के लिए नहीं, ना ही ऊपर से किसी के ऑर्डर के लिए, इस वर्दी के लिए, खाकी की इज्जत के लिए। दिलावर ने कहा था कि मैं नहीं तो मेरा ऊपर वाला बिकेगा। कितने में बिके सर? तुम्हें क्या लगता है, ईमान सिर्फ तुम्हारे पास ही है? आफाक इस वर्दी का रंग खाकी किस लिए पता है? क्योंकि ये रंग उस मिट्टी का भी है जिसमें हर पुलिस वाला मिलने के लिए भी और मिलाने के लिए भी तैयार है। तो फिर मनिया ही क्यों?
दिलावर क्यों नहीं? कमान किसी को भी मारो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मनिया जेल से भागा हुआ मुजरिम है, ये सभी जानते हैं। दिलावर ने शराफत का नकाब बड़ी समझदारी से पहन रखा है। अगर उसे मारोगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे, और मनिया को मारोगे तो मुजरिमों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फिर भी फैसला तुम्हारे हाथ में है, किसी एक को चुनना होगा। मनिया सर, मैं मनिया को चुनता हूं।